And welcome back here again. आज की वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मुझे हिजामा करवाए हुए. अगर आपने मेरी लास्ट टाइम हिजामा की वीडियो देखी है तो मुझे हिजामा करवाए करीब एक महीना हो गया है. और हिजामा करवाने के बाद मुझे इतना सुकून मिला था कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है यार. तो मैंने डिसाइड किया आज फिर मैं हिजामा करवाऊँगा, क्योंकि कुछ दिन तक मैं पाकिस्तान वापस जाने वाला हूँ और मुझे पता है पाकिस्तान जाके मुझे मिलने वाला नहीं हजामा इतनी आसानी से. तो जाने से पहले मैं हिजामा करवाना चाहता हूँ. तो अभी 4 बज रहे हैं शाम के, और उस आंटी को मैंने मैसेज किया था, वो कह रही थी 6 बजे आऊँगी. 6 बजे वो आएगी, हिजामा करवाएँगे. और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी और ये वीडियो, इसमें फ़र्क ये होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने हिजामा के फ़ायदे बताए थे और बस एक दो शॉट हिजामा का जब मैं करवा रहा था वो दिखाया था. इस वीडियो में आपको मैं हिजामा होता हुआ दिखाऊंगा कि किस तरह होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, और बस हिजामा दिखाऊंगा. अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, भूख बड़ी लगी है और खाने लायक कुछ है नहीं रूम में, तो कुछ लेके आऊँगा खाऊँगा और उसके बाद फिर मिलते हैं 6 बजे जब आंटी आती है. सलामुअलैकुम का. तापा तापा या श्याम दे. अच्छा जी, तो आंटी जी आ गई हैं, ये सारा सामान निकाल लिया और ये कैमरा शरीफ भी इधर रख लिए हैं आज के लाइव व्यू. सबसे पहले इलेक्ट्रिक मसाज करवाया. इलेक्ट्रिक मसाज के 3 पार्ट हैं. सबसे पहला पार्ट, उसमें वो मशीन के साथ अपने हाथों से करंट गुजारेंगी मेरे हड्डियों के अंदर से, जहाँ भी कोई रुकावट खड़ी हो ब्लड लाइन में या हड्डियों में कुछ वगैरह कुछ भी हो, तो पहले पार्ट में वो दूर की जाएगी. पहला पार्ट मुकम्मल. दूसरे पार्ट में जो जहाँ जहाँ पर पता लग गया है कि इधर इधर इस जगह पर प्रॉब्लम है, वहाँ से एक पंप है जिससे उसके अंदर हीट डाली जाएगी ताकि वो सूजन, वो जो भी उधर खून वगैरह जमा हुआ है वो ठीक हो जाए. पार्ट नंबर 2 कंप्लीट. पार्ट नंबर 3 में दोबारा से वो अपने हाथों से जिस जगह पर हीट गुजारी गई है उधर से अपने हाथों से करंट गुजारेंगी. तो ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं. अच्छा, अभी होगा ये कि मेरी कमर पे मसाज हो गया है. 2 जगहों पे मुझे प्रॉब्लम निकली है, एक मेरे पट्ठों पे और एक रीढ़ की हड्डी पे. तो वहाँ पर उन्होंने कर दिया है मसाज वगैरह सारा कुछ, तो उम्मीद है ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर बैठ के एडिटिंग करता हूँ इस वजह से. अभी दूसरा पार्ट वो कपिंग करेंगी. हो गया. अभी हाली कप ही लगे हैं और अभी थोड़ी देर में कट लगेंगे, शायद लगने वाले हैं. छुरी तैयार है. मुझे सबसे ज़्यादा मसला इन्हीं से है, क्योंकि ये हल्की हल्की दर्द होती है, ये नहीं कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगी, हल्की हल्की होगी. और जब ये एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा कट लगते हैं ना, तो फिर थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता हूँ. अच्छा, कुछ हिस्से नाजुक होते हैं, उन पे सिर्फ दर्द होती है, जैसे 2-3 कप हैं जिधर ज़्यादा दर्द हुई है.
पर दर्द के बगैर किसी चीज का मजा भी नहीं। इस पे हल्की सी हुई है। जाली का एक रह गया, ये लास्ट है, इसमें थोड़ी सी जाली है। ये जो आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ तेल लगा रही है, तेल नहीं है, इसमें करंट है हाथों में। ये हो गया और इसके बाद कुछ लोग समझते हैं शायद खून निकलेगा, नहीं अभी ये रुक गया और जब ये खत्म हो गया तो इसके बाद अच्छा कपिंग हो गई है, अभी इलेक्ट्रिक मसाज हो रहा है। ये मेरी ये उंगलियों में से करंट गुजर रही है और ये आखिरी पार्ट है। ये जहाँ जहाँ भी खाद लगाती है उधर उधर से करंट गुजर रही है। ये मेरी इस हड्डी में जो है ना है थोड़ी सी प्रॉब्लम, शायद जब भी करंट गुजरेगी आपको ये मेरा बाजू जो है ना अकड़ जाएगा। ये देखा, ये गुजर रही, फुल टाइट हो जाता बाजू। ये नहीं पिघल माना, ये टाइट हो जाते हैं। ये हवा देखा बढ़ रही है इधर, ये करंट की वजह से। अच्छा भाई जी, बात ऐसी है, हिजामा करवा लिया और हिजामा के बाद इलेक्ट्रिक मसाज भी करवा लिया। इस बार सारे पैसे इलेक्ट्रिक मसाज के थे। और हिजामा चेक करें आप, ये तो हिजामा भी करवा लिया, सारे काम हो गए हैं। अभी मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है क्योंकि जब आप हिजामा करवाते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है और नंबर दो प्यास ज़्यादा लगती है, उसके बाद नींद आना शुरू हो जाती है। नींद भी आ रही है, भूख भी लग भी रही है। अब सबसे पहले खाना खाऊंगा फिर सो जाऊंगा और आपको कल मिलूंगा। खुदा हाफिज़।